हेलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं थर्मोडाइनामिक सेकंड चैप्टर को नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे इंथेपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो इंथालपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों देखिए जो इंथालपी चेंज होता है हमारा जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है वन ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बाय वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस या फिर हम बोल सकते हैं वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बाय वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड तो वहाँ पे जो इंथेलपी चेंज आता है बच्चे डायल्यूट एक्वेसोल्यूशंस के अंदर उसे हम क्या बोलेंगे इंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगा वो इंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फ़ॉर एक्जाम्पल जब एक ग्राम इक्विवेलेंट एच सी एल यहाँ पर क्या लिया है? हमने एक ग्राम इक्विवेलेंट एच सी एल लिया है जो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है एन यूएच के साथ में या फिर हम बोल सकते हैं वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एच को जब न्यूट्रलाइज किया जाता है एच सी एल से तो वहाँ पर क्या होता है हमारे डायलूट और एन एक्टिव सोल्यूशन होते हैं तो वहाँ किलो जूल पर फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलोजूल परमोल जो हीट है वो प्रोड्यूज होती है कितनी होती है 57.32 किलो जूल पर मोल और ये क्या है बच्चे हमारे पास इंथेल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है एच सी की विद एन या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ एन विद एच वो कितनी होगी 57.32 किलो जूल मोल नेक्स्ट है जो इंथेपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है बच्चों किसी भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से आ जाएंगे लाइक एच सी एल है चनो थ्री है एच टू फोर है विद स्ट्रॉग बेस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड के स्ट्रॉग बेस के साथ में स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएंगे लाइक एल आई ओ एच है एन यू एच है की ओए एच है ठीक है डायल्यूट और एक्विस्ट सोल्यूशन में क्या होगी इनकी फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलो जूल पर मोल ठीक है हमेशा किसकी इक्वल होगी वो फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलोज पर मोल और जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कम्प्लीटली आईनाइज होते हैं बच्चों एक्वर सोल्यूशन के अंदर ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक नोट कर लो नेक्स्ट है बच्चों एच ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड को और बी ओ एच क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे अगर एच ए को यहाँ पे हम ब्रेक करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा एच पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव और बी ओ एच को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बी पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव तो बी पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव यहाँ पे रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव ये जो दो हमारे आयन से कंबाइन हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे वाटर को बी पॉजिटिव ए नेगेटिव प्लस वोट एंड यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा किसके कुल होगा माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू मोल इसके बाद देखिए कैंसिल करके जो हमारी कॉमन आयंस है उनको तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव इस साइड भी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है इस साइड भी ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो कैंसिल कर देंगे कॉमन आयन्स को तो क्या बच जाएगा एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव टू फॉर्म वाटर डेल्टा एच क्या होगा माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू पर मोल तो देखिए इंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या हो जाएगी इंथेलपी चेंज होता है ये जब एक मोल एच पॉजिटिव आयंस का ठीक है इंथेल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी जब एक मोल एच पॉजिटिव आयंस का डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड होता है ओ एच नेगेटिव आयंस के साथ तो फॉर्म करता है वन मोल ऑफ डिसोसिएटेड वाटर वहां पे जो इंथेलपी चेंज आता है दैट इज़ इंथेलपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर है पॉइंट इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं बच्चों वो आइनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली डायल्यूट सोल्यूशन के अंदर ठीक है तो इसलिए वहां पे जितने भी हमारी मोल्स होंगे नंबर ऑफ एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव जो आयंस होंगे जो प्रोड्यूस होंगे बाय वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रॉग बेस वो क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे इसके बाद जो इंथेलपीफ न्यूट्रलाइजेशन है बिटवीन स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वो हमेशा क्या रहेगी बच्चों सेम रहेगी बट जब हम बात करते हैं वीक एसिड वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन की विद स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रांग बेस वो क्या हो जाएगी बच्चों कम हो जाएगी माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलोजूल पर मोल से बट जब हम देखते हैं वीक एसिड वीक बेस के, के केस में न्यूट्रलाइजेशन होगी बाई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है वो कम होगी किससे माइनस ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू पर मोल ठीक है नोट कर लो इसे सो so, यहाँ पे हम ले रहे हैं बच्चों न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड के इसमें कौन सा है एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में दैट इज एन एच सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड है प्लस में एन एच है रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा सी थ्री सी ओ एच प्लस में वाटर और यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो किसके इक्वल है माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट टू थ्री किलो जूल इसके इक्वल है तो देखिए एसिटिक एसिड एसिड जो है 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 बच्चों वो हमारा क्या वीक तो यहाँ पे क्या होगी पुअरली वो आयनाइज होगा जबकि अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में एन के केस में वो क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए वो क्या होगा कंप्लीटली आईनाइज हो जाएगा एन यू एच स्ट्रग बेस दैट्स वाई कंप्लीटली आईनाइज सो फर्स्ट यहाँ पे देखिए रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है सी एस थ्री सीओ एच आयंस में ब्रेक हो रहा है आयंस फॉर्म होगी सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस मी एच पॉजिटिव डेल्टा एच किसकी इक्वल है प्लस टू पॉइंट जीरो नाइन किलोजूल पर मोल सेकेंड स्टेप में क्या है एन एच आयंस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे भी एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलोजूल पर मोल इसके बाद एच पॉजिटिव प्लस मी ओ OH एच निगेटिव कंबाइन हो रहे हैं एच पॉजिटिव ओ OH एच नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं वोटर डेल्टा तो एच क्या है माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू किलोजूल

वो एच नेगेटिव के साथ दैट इज गिवन बाय बेस तो यहाँ पे जो इक्लेब्रियम है वो किसके साइड शिफ्ट होगा वो राइट साइड शिफ्ट होगा फर्स्ट बे ठीक है फर्स्ट जो हमारे इक्ब्रियम है किस साइड शिफ्ट होगा राइट साइड शिफ्ट होगा यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों वो हमारे एसिटिक जो एसिड है वो आयंस को फॉर्म करेगा एच पॉजिटिव यहाँ पे फॉर्म होंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा मोरोफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स होंगे और यहाँ पे एच पॉजिटिव हमें देंगे तो इससे जो पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी इस कॉम्बिनेशन के टाइम पे एच पॉजिटिव और रो एच नेगेटिव इन दोनों के जब कॉम्बिनेशन होंगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी वो यूज कर ली जाती है किसके लिए फॉर द कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए एसिटिक एसिड में वो यूज कर ली जाती है और जो हीट यूज होती है मोल किसकी इक्वल है वो प्लस टू पॉइंट जीरो के लिए वो इतनी हो जाएगी नेट हीट इवोल्ड होगी रिएक्शन में क्या हो जाएगा डेल्टाइज दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ्टी सेवन पॉइंट थ्री टू प्लस कर देंगे टू पॉइंट जीरो नाइन तो हमारे पास नेट की आ गई माइनस ओ फिफ्टी फाइव पॉइंट टू थ्री पर मोल ये हमारी आ जाएगी क्लियर है नोट कर लो इसे इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी बच्चों वीक बेस के केस में क्या हो जाएगी वीक बेस देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसको न्यूट्रलाइज किया गया है किसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज दिल के साथ में सो इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद स्ट्रॉन्ग एसिड एटसेल क्या हो जाएगा 298 नाइन पे दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फिफ्टी वन पॉइंट पर मोल ये हमारी आएगी तो यहाँ पे जो इंथाल्पी ऑफ फाइनाइजेशन है एन का वो किसके इक्वल है प्लस 5.98 किलो जूल पर मोल है सो जो हमारी इंदा ऑफ नाइट्रो न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फिफ्टी और प्लस कर देंगे 5.98 को तो कि, किसके इक्वल आ जाएगा? हम किलो जूल पर मोल। इसके इक्वल आ गई हमारी इंथा ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसके बाद जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है बच्चों वो किसके लिए हम लेते हैं फॉर वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इसलिए जो न्यूट्रलाइजेशन है उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन का किसके साथ में वन मोल ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन और फॉर्म करते हैं वहाँ पे वन मोल ऑफ वाटर ठीक है तो वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन है वन मोल ऑफ वो एच नेगेटिव आयन है ये दोनों कंबाइन करेंगे और वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी बच्चों वन मोल ऑफ वाटर की ठीक है तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कोई भी एसिड है कंप्लीट डिसोसिएशन पे हमें क्या देगा एक मोल एच पॉजिटिव आयन का एसिड की हम बात कर रहे हैं बच्चों acid, पे पे एक एसिड कंप्लीट आयनाइजेशन क्या हमें देगा वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयंस वन ग्राम इक्विवेलेंट वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड की हम बात करें तो वन ग्राम इक्विवेलेंट जो एसिड है उसका डिसोसिएशन होगा कंप्लीट डिसोसिएशन तो वहां पे हमें क्या ऑप्टेन होगा वन मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन

अगर हम बात करेंगे वन की, तो वहां पे हमें नहीं मिलेंगे like हमें लेते हैं, तो यहां पर वन ग्राम इक्वेलेंट तो अगर हमें लेना है वन ग्राम ऑफ इक्वेलेंट ऑफ एच टूसो फोर के लिए अगर हमें देखना है हैं तो यहाँ पे क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव मोल होंगे जो हमें देंगे एक मोल एच पॉजिटिव आयंस का क्लियर है बात इस वीडियो में इतना ही है करते हैं बच्चों अगर यहाँ तक तो कोई भी आपको डाउट है इस टॉपिक में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो में